सो गाइस आईफोन 14 लॉन्च हुआ था 80,000 में, लेकिन गाइस अगर सेल्स वगैरह की बात करें तो इसकी प्राइसिंग वेरी कर जाती है 62 या 65,000 के आसपास। वहीं आईफोन 13 का भी प्राइसिंग आप सही लोग को उसी के आसपास देखने को मिलती है, मतलब 58 या 60,000 के आसपास अभी करंटली देखने को मिल जाएगा। सो गाइस दोनों की जो प्राइसिंग है वो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, दोनों फोन आप सही लोग को 60,000 के अराउंड देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है और क्या डिफरेंसेस है आईफोन 13 से आईफोन 14 में, गाइस सब कुछ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो गाइस अगर इन दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करें दोनों में आप लोगों को बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप लुक वाइज देखोगे दोनों का दोनों फोन सेम है, दोनों में 6.1 इंच का डिस्प्ले, दोनों ही फोन में 800 नेट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, दोनों का ही फोन का डिस्प्ले क्वालिटी एग्जैक्ट सेम देखने को मिलने वाला है, दोनों ही आईफोन में आप लोग को ओलेड डिस्प्ले सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है, दोनों ही फोन में आप लोग को IP68 का रेटिंग देखने को मिलता है गाइस, और यहां तक का गाइस दोनों ही फोन में 60Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले और कलर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है। कोई भी अगर आप लोग फिजिकली इसको देखोगे, अगर आप लोग कवर लगा के, तो दोनों ही फोन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर फिजिकली चेंजेस की बात करें दोनों का फोन में सिर्फ और सिर्फ कलर का चेंजेस है, दोनों फोन एग्जैक्ट फोन है, बस उसको रीब्रांडिंग करके आईफोन 13 से आईफोन 14 कर दिया गया अगर गाइस फिजिकली की बात करें तो। लेकिन गाइस स्लाइटली आप लोग को आईफोन 13 से आईफोन 14 में चेंजेस देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला चेंजेस आप लोग को कैमरा में देखने को मिलेगा कि आप सभी लोग को इसमें ऑटो फोकस देखने को मिलता है, एक एडिशनल फीचर और एक्सेल मोड देखने को मिल जाता है, मतलब दो एडिशनल फीचर आप लोग को कैमरा में देखने को मिलता है, बाकी एग्जैक्ट कैमरा क्वालिटी बिल्कुल सेम है गाइस, कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलने वाली है। और गाइस जो सेकंड चेंजेस आप लोग को थोड़ा सा प्रोसेसर में देखने को मिलेगा, दोनों में ही आप लोग को A15 बायोनिक चिप ही देखने को मिलेगा, लेकिन आईफोन 14 में आप लोग को 5 कोर जीपीयू देखने को मिलता है, वहीं आईफोन 13 में आप लोग को 4 कोर जीपीयू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा गेमिंग वगैरह में ज्यादा अच्छा या ज्यादा एफिशिएंट आप लोग को आईफोन 14 लग सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज साइड बाय साइड कंपेयर करो दोनों ही का फोन का बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल वाइज नेक टू नेक आता है। और अगर कुछ एडिशनल फीचर्स जिसके साथ आप लोग को आईफोन 14 देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक आप लोग को कार करंट डिटेक्शन और इमरजेंसी में सैटेलाइट की कॉलिंग के फीचर आप लोग को आईफोन 14 देखने को मिलेगा, वो भी गाइस लिमिटेड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लिए, बाकी गाइस कुछ भी चेंजेस दोनों ही फोन में नहीं है, बस प्राइसिंग का चेंजेस देखने को मिला है। अब तो प्राइसिंग भी इन दोनों फोन का ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए आईफोन 13 आईफोन 14 में, तो दोनों का प्राइसिंग एग्जैक्ट आप लोग को देखने को मिल जाता है सेल्स वगैरह में। जो आप लोग आईफोन 14 का प्राइसिंग हमने देखा है कि 62 या 63,000 के आसपास हमने सेल्स वगैरह में देखी ली है ऑलरेडी, और आईफोन 13 का ही प्राइसिंग उससे ज्यादा कम देखने को नहीं मिलता, ज्यादा ज्यादा 58,000 तक देखने को मिलता है। तो इसके आप लोग को एडिशनल 4 से 5,000 रुपए डाल के आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए या आईफोन 14 के लिए जाना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग 3 से 4 साल के लिए कोई आईफोन को चलाना चाहते हो उसके बाद अपग्रेड कर लोगे, तब गाइस आप लोग के लिए दोनों फोन में से किसी भी फोन को उठा सकते हो, दोनों के फोन में ज्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस अगर आप लोग इन दोनों फोन में से 4 से 5 साल तक का चलाना है, तब गाइस मैं आप लोगों को कंसीडर करना चाहूंगा आईफोन 14 को, क्योंकि गाइस आप लोग को आईफोन 13 से आईफोन 14 में 1 या 2 साल आप लोग को ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा, और वहीं गाइस आप लोग को कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाए, जो कि गाइस ऑफ कोर्स अभी नहीं, लेकिन गाइस इन फ्यूचर आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो गाइस दोनों ही फोन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, दोनों ही फोन बहुत ज्यादा अच्छा है, दोनों ही फोन बाय कर सकते हो, बस गाइस आप लोग को प्राइसिंग का देखना है, अगर गाइस आप लोग 4 से 5 हज़ार रुपए फालतू दे सकते हो तो आईफोन 14 के लिए जाना, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं आईफोन 13 भी बाय कर सकते हो, बिल्कुल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है आईफोन 13 भी गाइस। सो गाइस ये था दोनों ही फोन का सिंपल कंपैरिजन, एंड गाइस इन दोनों फोन के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरीज या कोई भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और गाइस अगर आप से लोगों ने यहां तक वीडियो देखा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।